काली नमस्कार, मैं सोनी चौहान गृह विज्ञान की बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के साथ पोषण से संबंधित एक नुक्कड़ नाटक आप सभी के समक्ष लाई हूँ। नाटक का नाम है मुनिया की शादी। तो आइए देखते हैं इस नाटक में क्या है। क्लैप। घर घर अलख जगाएंगे हम लाएंगे सुपोषण। घर घर अलख जगाएंगे हम लाएंगे सुपोषण। घर घर अलख जगाएंगे हम लाएंगे सुपोषण। पोषण हो सुपोषण, पोषण हो सुपोषण, पोषण हो सुपोषण, पोषण हो सुपोषण। क्लैप। सूरज की मम्मी, ओ सूरज की मम्मी, सूरज की माँ, अरे आजा चाय लिया खेत में। आई लो सूरज के पापू चाय। तुम्हें होश खबर है या नहीं है? क्या हो गया? अपना तो ऐसी पारा सा तैयार है, तो बात बता कर। अपना सूरज शादी के लिए तैयार हो रहा है। शादी के लिए? अभी उसकी क्या उम्र हुई है? उम्र की तो छोड़ो, उसने अपने लिए लड़की पसंद कर रखी है। कौन सी है वो लड़की? किसे पसंद कर ली सूरज ने? मुनिया नाम है उसका। मुनिया नाम है, कहाँ रहती है? यहीं पे बता रहा है, अगर तुम कहो तो इतवार पे बात चलाऊँ, आगे बढ़ाऊँ? हाँ चल बढ़ा ले, पर माँ जी से तो पूछी है नहीं पूछी, फिर कहेंगी हम ही बड़े बन हुए हैं। अभी तो ना पूछी, मैंने सोचा आप भी दोनों, हम दोनों बात कर लेंगे मिलकर। हाँ चलो पहले करते हैं माँ जी से बात। चलो अम्मा जी। ओ अम्मा जी। हाँ बहू। अम्मा जी अपने सूरज ने एक लड़की देख रखी है। लड़की? हाँ अम्मा जी। कौन लड़की? मुनिया नाम है उसका। मुनिया, अच्छा तो आप अगर कहो तो आगे बात बढ़ाऊँ मैं? देख लो जैसी तुम्हारी मर्जी। तो आपके इतवार को पक्का कर लूँ? हाँ कर लो। ठीक है अम्मा जी। मुनिया, अरे मुनिया, मुनिया, अरे मुनिया। हाँ सूरज। मुनिया ये खुशखबरी लाया हूँ मैं। क्या सूरज? मैंने ना अपनी शादी की बात करी है। अच्छा सूरज। हाँ मेरी अम्मा और मेरी माँ ना देखने के लिए आएंगे इतवार को। अच्छा सूरज, तो अच्छे से तैयार होके रहियो। ठीक है? ठीक है सूरज, मैं भी अपने घर पे बता दूंगी। ठीक है। तो देखा आपने, सूरज ने मुनिया से शादी करने के लिए अपनी माँ को मना लिया है, और सबसे अच्छी बात कि मुनिया ने सूरज के बाबूजी और अम्मा जी को भी मना लिया है। इतवार को सभी लोग मुनिया के घर उसको देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं मुनिया को उसके घर वाले पसंद करते हैं या नहीं। बहन जी, ओ बहन जी,
आइए आइए बैठिए, नमस्कार, बैठिए। लीजिए पानी। बहन जी बुला दीजिए अपनी मुनिया को। मुनिया आओ, देखो कौन आया है, सूरज की मम्मी आई है, आओ पानी लेकर। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। बैठो अरे, अरे, क्या हुआ बहन जी इसको? अरे कुछ नहीं, थोड़ी सी कमजोरी की वजह से हो गया है। अरे खड़े करो, पानी लाओ, कोई पानी लो, पानी लो। अरे ये तो बहुत ही कमजोर सी लड़की है, इससे तो कुछ ना होगा, ना ये घर का काम कर सकती और ना झाड़ू पोछा कर सकती, और तो और इससे मेरे पैर भी ना दबे। हम ना करें भैया ऐसे अपने सूरज की शादी इससे। चलो ये तो थोड़ी सी कमजोरी की वजह से, रुको, चल सूरज, चल रुको रुको। तो देखा आपने, सूरज के घर वालों ने तो मुनिया से शादी करने के लिए सूरज की साफ इनकार कर दिया है। अम्मा जी ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया है। अब देखें सूरज क्या अपनी माँ को मुनिया के साथ शादी करने के लिए मना पाएगा या नहीं। और हाँ, आगे देखते हैं मुनिया क्या करती है, आइए देखें। फास्ट करो मुनिया, बहुत स्लो हो मुनिया। देखो कौन आया है, तुम्हारी सहेली लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी तुम आ गई। हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात हो गई? आज सूरज के घर वाले मुझे देखने के लिए आए थे। अच्छा, और मेरी कमजोरी की वजह से वो मुझे रिजेक्ट करके चले गए। बस इतनी सी बात? हाँ लक्ष्मी, तेरी समस्या का हल तो मेरे पास है। अच्छा लक्ष्मी, तभी तो तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है। बिल्कुल, पता है हम लोग कॉलेज में, हमारी मैम बताती हैं कि हमारे भोजन में 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि। इन सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन संतुलित भोजन कहलाता है, और यदि हम इस प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं तो हम स्वस्थ भी हो जाते हैं और इसके साथ साथ सुंदर भी हो जाते हैं। इसीलिए मेरी तुझसे सलाह है कि तू इस प्रकार के भोजन को ग्रहण कर, ताकि तू स्वस्थ हो जाए और हाँ सुंदर भी। फिर देखना तेरा रिश्ता कितनी जल्दी पक्का हो जाता है। ठीक है मुनिया? ठीक है लक्ष्मी, आज से मैं भी संतुलित भोजन ग्रहण करूंगी और फल का सेवन करूंगी, और मैं भी तंदुरुस्त और खूबसूरत हो जाऊंगी। बिल्कुल। तो इस प्रकार मुनिया ने 1 महीने तक अपनी सहेली लक्ष्मी द्वारा बताई गई सलाह को माना। आइए देखें 1 महीने बाद क्या हुआ। माँ, आओ माँ, माँ कहाँ गई? अरे अरे रसोई में आ जा। अरे माँ, माँ एक बार और बात करके देख ले मेरी शादी की। शादी की? हाँ, मैं ना करूँ, तेरे बापू और माँ जी गुस्सा हो रही है मुझसे। अरे माँ इतनी प्यारी, माँ एक बार और करके देख ले। भैया माँ कर लेना। चल देखती हूँ तेरे बापू जी से बात करके। माँ यहाँ से कर लियो। हाँ हाँ कर लूंगी, जा परे तू। अम्मा जी, ओ अम्मा जी। हाँ बेटा। अम्मा जी सूरज जिद कर रहा है शादी के लिए। शादी के लिए? हाँ अम्मा जी। किससे? वो लड़की ना देख के आए थे अभी पिछले हफ्ते। वो मुनिया? हाँ अम्मा जी। मुझे तो बिल्कुल ना जची वो लड़की। अम्मा जी देख लो एक बार फिर से। चलो देख लो तुम कहते हो तो। चलो अम्मा जी ठीक है। बहन जी आइए आइए बैठिए। बहन जी बुला दीजिए मुनिया को। मुनिया देखो कौन आया है, आओ चाय लेकर आओ। नमस्ते जी। अरे ये तो पूरी बदल गई। अरे ये वही मुनिया है, ये तो बहुत सुंदर हो गई। अब तो मैं अपने सूरज की शादी इसी से करूंगी, अब तो मैं बारात लेकर आऊंगी। चल बहू।
तो देखा आपने किस प्रकार मुनिया की शादी सूरज से तय हो जाती है। मुनिया ने संतुलित एवं पौष्टिक आहार को ग्रहण किया, हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने भोजन में लिया, ताजे फलों को अपने भोजन में सम्मिलित किया, तो उसमें किस प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम सभी आपको यह दर्शाना चाहते थे कि संतुलित एवं पौष्टिक आहार न केवल हमें स्वस्थ बनाता है बल्कि हमें सौंदर्य भी प्रदान करता है। अतः आइए हम सभी मिलकर यह शपथ लेते हैं कि हम सभी बच्चे शपथ एवं संतुलित आहार को ग्रहण करेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियों को खाएंगे, फलों को अपने भोजन में सम्मिलित करेंगे और मुनिया की भांति स्वस्थ एवं सुंदर हो जाएंगे। क्योंकि हम सभी का नारा है सही पोषण देश रोशन, सही पोषण देश रोशन, सही पोषण देश रोशन। धन्यवाद।